नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश की शिवराज सरकार ने आगामी 3 सालों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा और भारत सरकार के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस रोड मैप को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री चौहान द्वारा 4 मुख्य विषयों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए थे। इन वेबिनारों में आए सुझावों के आधार पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप की कार्य योजना तैयार की गई है। इसे विभाग अगले साल में लागू करेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने विभिन्न विषय के विशेषज्ञों से परामर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना के करीब 20,000 लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से जारी किए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को अक्षरशः जमीन पर उतार कर देश के विकसित राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा कर देगी।